Yo. Yes, bro, we know. Yeah. It's called beat, bro, beat. Hashtag paila rule. Maarte paila maanduli baat ki baate jhula. स्टार्टिंग हो गई हमारी, हम पता चल गया कि हम भैया रिएक्शन करने वाले विजय डीके पे. ओके, तो चलो यार अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है हमारे विजय डीके का उसको प्ले करते हैं. ओके ओके ओके, ये रहा टाइटल, क्या दूं एमसी अल्ताफ विजय डीके. मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. यो देखो भाई, विजय डीके का गाने में भाई हमारा चलता है कि भाई थोड़ा बॉलीवुड चलता ही चलता है. तो स्टार्टिंग तो खैर मजेदार थी, तो चलो लेट्स प्ले. इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. इंसान बनो, स्टार्ट. 1 2 3. यो यो यो, व्हाट्स अप विजय डीके इन द हाउस ऑफ फकिंग. यो ब्रो, और मेरे साथ में एमसी अल्ताफ तारा भी 17 है. बिग चेंज ब्रो, वाओ. यो, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा. गाइस अब स्टार्टिंग ही बड़े मजेदार है यार. कोई किसी को हिंदू बता रहा, कोई किसी किसी को मुस्लिम बता रहा, कुल मिला के ऐसे कि हेट क्यों फैला रहे हो ब्रो, क्यों क्यों क्यों, व्हाई. कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे. वेट 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 वेट, जहां तक मैं समझ रही हूँ ठीक है, क्योंकि हमारे भी जो सोसाइटी में चल, सोसाइटी क्या पूरे इंडिया में चल रहा है यार, ये सब चीज़ें खाली कास्ट देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, तो उसके ऊपर पूरा गाना बना दिया है भाई विजय डीके ने. और सीरियसली लिरिक्स स्टार्टिंग से तो खैर मजेदार चलते आ रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो थोड़ा बैक करके और सुनेंगे. ऐसा गजब जा रहा है यार, जो भी बोलो. पैसा ये मांगता बलि, गरीब की गर्दन है सामने, कैसे तू मांगे इंसाफ, मिलेगी हथकड़ी हाथ में, कौन सी फिर बड़ी. एमसी अल्ताफ, हां मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, और अच्छा यार इसके लिरिक्स अच्छे जा रहे हैं. नाइस है ना, बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रे. पैसा ये मांगता बलि, गरीब की गर्दन है सामने, कैसे तू मांगे इंसाफ, मिलेगी हथकड़ी हाथ में, कौन सी फिर बड़ी है जात, वो भी इंसानियत के सामने, फिर काय के ये दंगे फसाद, तुम कर रहे ले धर्म के नाम पे. व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कुर्ते में आते, बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे, भूखा जो मर रहा. यार ये देखिए एक चीज नोटिस कर रहे हो आपके भाई, जो रैपर्स है भाई वो भी अब चीजों को लेके बताने लगे, क्योंकि हर किसी के माइंड में चीजें बैठ चुकी है कि यार ये क्या ही चल रहा है इंडिया में, क्या ही चल रहा है. तो बस वो रैप के थ्रू भी लोगों को भाई जागरूक कर रहे कि भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ. वो भी इंसानियत के सामने, फिर काय के ये दंगे फसाद, तुम कर रहे ले धर्म के नाम पे. व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कुर्ते में आते, बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे, भूखा जो मर रहा कब्र में जान दे, फोटो ले अच्छी सी खबर में आन दे, अगले दिन. ये लाइन कितनी सही थी. हाँ, भूखा जो मर रहा है कब्र में जान दे, फोटो ले अच्छी सी अखबार में आने दे. कितनी बड़ी बातें बोली है यार. ट्रू, इट्स ट्रू ब्रो. तुम कर रहे ले धर्म के नाम पे. व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कुर्ते में आते, बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे, भूखा जो मर रहा कब्र में जान दे, फोटो ले अच्छी सी खबर में आन दे, अगले दिन बस्ती में लग गले बांध दे. एम्बुलेंस रोज वो एरिया में आमे, तेरी जो रात वो किसी की शाम है, तेरी जो मस्ती वो किसी का काम है. या पैसा तो काला ही पसंद, इंसान फिर गोरा ही क्यों. जवाब लाइन बड़ी सही है, जब इंसान देख रहे हो कि इंसान जब पसंद है गोरा, लेकिन इंसान नहीं, नहीं ऐसा था कि जब पैसा पसंद है काला लेकिन इंसान पसंद है गोरा क्यों. थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी. खैर हाँ, तो ये तो इसमें क्या बोला गया है, काला पैसा क्या होता है. ब्लैक मनी को बोला गया कि भाई तुम्हारे काला पैसा तो तुम्हें बहुत पसंद है और इंसान गोरा पसंद है. ये रंग उनका भेदभाव ना यार, खत्म करो सीरियसली. कहते ना स्टार्टिंग ही बोल दिया, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा. एम्बुलेंस रोज वो एरिया में आमे, तेरी जो रात वो किसी की शाम है, तेरी जो मस्ती वो किसी का काम है. या पैसा तो काला ही पसंद, इंसान फिर गोरा ही क्यों. जवाब नहीं देते सवालों का तो लफड़ा फिर होना ही क्यों. ये लड़ाते इनके आदमी तो अपन भड़क रहे क्यों. ये ऑर्डर सब आता है ऊपर से पर जनता समझ रहे नहीं क्यों. यार मतलब सारे क्वेश्चन कर दिया इसने भाई, कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों. वाओ,
एक बार और थोड़ा सा बैक करके सुनेंगे। नहीं देते सवालों का तो लफड़ा फिर होना ही क्यों? ये लड़ाते इनके ये आदमी तो अपन भड़क रहे क्यों? ये ऑर्डर सब आता है ऊपर से पर जनता समझ रहे नहीं क्यों? किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे? कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। की भाई थोड़ी सी ऐसे वॉइस आई है उसमें, हाँ ना, इसको थोड़ा सा और सुनेंगे अच्छे से क्योंकि बिल्कुल ना सब मैच कर गया यार चीजें स्टार्टिंग से ही। हिंदू का कौन सा है? ये मंदिर जब चालू तो पंडित सब यार एक थे जो हमें मोटिवेट कर रहे थे हमारे, क्या थे वो, क्या नाम था उनका यार, मैं नाम भूल गई यार, अरे जो बहुत ट्रेंडिंग में थे यार, मेरे ध्यान से ही निकल गया, लेवेट में बता देती हूँ, अगर मुझे बाद में आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो भाई उसके बारे में बताया गया कि भाई हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करे जा रहे, खून से मिला दिया, क्या बताओ किसका है किसका नहीं है। जी जब चालू तो मौलाना, ये मंदिर जब चालू तो पंडित समाज से, मस्जिद जब चालू तो मौलाना, ये इन सबसे ज्यादा के स्कूल होते देश में तो देश अपना आगे बहुत ज्यादा, इनसे ज्यादा भोले घूम रहे भाई के भेस में, भाई पटेल कौन सा जो लॉक है गेंजा रहा भारत निकाल रहे लीलो की रोड से, यूनिटी देखती तो पुत्री पिन घोड़ा ना, बापा के आगमन में डीजे पे कवाली, ख्वाजा की छट्टी में दीवाने हजर, बाजा के संदल और साई का भंडारा, धर्म और जात का बनाए लोग बजर, इधर रोज होती प्रे नमाज और आरती, इंसान जत लालची स्वार्थी गदर, बाबा ना होते तो दलित का क्या होता, इंसान धर्म में बोलता मैं हर बार, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे? कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। यार बीट था सीरियसली वाओ, मतलब एक रिदम में जो बजते जा रहा है ना तो वो नॉन स्टॉप बज ही रहा है वो, और तो मजा आ रहा है सुनने में कि एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रही है यार। मैंने इंसान को मजहब पे लड़ते तो देखा, अपन बाइबल कुरान गीता पढ़ते नहीं देखा, कोई कितना भी ऐसे। एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे सुनते हैं, इंसान को मजहब पे लड़ते तो देखा, आगे मैंने इंसान को मजहब पे लड़ते तो देखा, अपन बाइबल कुरान गीता पढ़ते नहीं देखा, कोई किताब नहीं ऐसी जहाँ पे अहिंसा और हिंसा के मार्ग का फर्क नहीं लिखा, तो काय को तुम हिंसा पे हिंसा के मार्ग का फर्क नहीं देखा। यार थोड़ा सा बैक करके सुनते हैं क्योंकि जब तक लिरिक्स हमें क्लियर नहीं होगी तो यार क्या, मतलब निचोड़ना चाहिए ना लिरिक्स को अच्छे से। मैंने इंसान को मजहब पे लड़ते तो देखा, अपन बाइबल कुरान गीता पढ़ते नहीं देखा, कोई किताब नहीं ऐसी जहाँ पे अहिंसा और हिंसा के मार्ग का फर्क नहीं लिखा, तो काय को तुम लड़ रहे पथ पे, इधर छोटे छोटे बच्चे से बस बस में, अरे बड़ों का छोड़ रहा बच्चों का, सोचो आने वाली पीढ़ी तेरी बात मानते, तेरे लिए फैक्ट फैक्ट कि लड़े जा रहे यार, बच्चे देख रहे हैं उनका फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे पीढ़ी जो बढ़ने वाली है उनके बारे में सोचो। बहुत सही भाई, बहुत सही गाना, बहुत ही सही, अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब इतना अलग विजय जी के, इतना अलग लेके आए। अहिंसा और हिंसा के मार्ग का फर्क नहीं लिखा, तो काय को तुम लड़ रहे पथ पे, इधर छोटे छोटे बच्चे से बस बस में, अरे बड़ों का छोड़ दे रहा बच्चों का, सोचो आने वाली पीढ़ी तेरी बात मानते, तेरे लेफ्ट साइड के कंधे पे एंजल है और राइट साइड के कंधे पे हैवान, मेरे कंधे पे फैमिली का बर्डन है, तो कैसे क्या भटकेगा शैतान, भगवान से भी के बस ना में आने की उनके कर्म रग अच्छे और अच्छा बने इंसान, घमंड किस बात का और किसी जात का, खुद अभी वही और वही है, भगवान कोई किसी को हिंदू बता रहे। फैक्ट्स है यार सीरियसली, किस घमंड किस बात का, तो कैसे क्या भटकेगा शैतान, अब भगवान से भी के बस ना में आने की उनके कर्म रग अच्छे और अच्छा बने इंसान, घमंड किस बात का और किसी जात का, खुद अभी वही और वही है, भगवान कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे? कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई बता रहे सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे? कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। पीछे कुछ चल रहा है, एक सेकंड कुछ तो बज रहा है बैकग्राउंड बना रे, तो किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रे। ओके ओके, खूब मोटा मार के
मराठी में यार, समझ नहीं आती मराठी। शेर 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 की दहाड़ ऐड हो यार, मतलब ऐसा हो गया कि भाई साहब, कहते रहे कि एक एक चीज जो भी क्लिप उठाया लगाया लिरिक्स लगाया सब चीजें ऐसे थे कि परफेक्ट। सीरियसली स्टार्टिंग की लाइन यार, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, उसके बाद इनके हुक लाइंस, उसके बाद भाई एमसी अल्ताफ को मैंने फर्स्ट टाइम सुना लेकिन उनकी भी वॉइस एंड उनकी भी लिरिक्स यार awesome, nice, मुझे पसंद आया सीरियसली। और एंड में भाई था कि शेर गरज गया पूरा। काफी अच्छा था, मुझे खैर बहुत अच्छा लगा। और इनका टाइटल क्या दू, ये बहुत यूनिक था कि हम सोचते कि टाइटल क्या दू, इन्होंने भैया वो टाइटल क्या दू नाम ही रख दिया अपना एल्बम का। वो नाइस यार, नाइस नाइस नाइस। और मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये सुन के सीरियसली। एंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके और ना मतलब कौन से गाना नेक्स्ट, मैं कौन से गाने पे रिएक्शन दूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर रिएक्ट करूँगी। काफ़ी लोगों ने बोला था टाइटल क्या दूँ वक्त पे करो आप रिएक्ट, तो मैंने उस पर किया। एंड विजय डी के यार सीरियसली ऐसे ऐसे जा रहे हैं आप और इंशाल्लाह ऐसे ऐसे ही जाएंगे आप। सब बढ़ो यार, सब बढ़ो आगे, सब बढ़ो। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके ब्रो।